में आप एक बार देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। सीओ साहब है, सीओ साहब जितने भी बड़े अधिकारी है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य अच्छा लग रहा है और आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम इसमें पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। कैसी है? बहुत अच्छी है और बहुत ही जनसंख्या में। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आज 17 अगस्त, जैसा कि भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी राज्य और केंद्र सरकार है उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था आजादी का अमृत महोत्सव, उसका आज अंतिम दिन है। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ बच्चों के द्वारा कितनी तैयारी की गई है। अभी कुछ ही समय में जो रैली है, जो यात्रा है, तिरंगा रैली, वो निकाली जाने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखते रहना। तो चलिए, टाटा कोतवाली के जो थानेदार हैं वो अब हमारे मध्य पधार चुके हैं। तो सर बहुत पधार चुके हैं इस समय और देखिए दोस्तों फिलहाल हमारे मतलब जो टाटा कोतवाली के जितने भी पुलिस कर्मचारी, जितने भी ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पधार चुके हैं। अभी कुछ ही समय में जो रैली का है वो प्रारंभ होने वाला है। थोड़े ग्यारह से 17 तक जो आदेशित आजादी का अमृत महोत्सव था उसके समापन के शुभ अवसर पर यह रैली निकाली जा रही है। दोस्तों कुछ ही समय बाद जो रैली है उसका शुभारंभ होने वाला है। तो सबसे पहले जो जीप है वो आगे रहेगी और जो पुलिस प्रशासन एनसीसी के सभी उनसे चलिए बात करते हैं। तो नाम बता, अपना नाम सुभाष। तो रैली कैसी लग रही है निकाल के? बढ़िया लग रही है। क्या नाम है आपका? विक्रम। रैली कैसी है? अच्छी। ठाकुर, रैली कैसी है? बहुत अच्छी है और बहुत ही जनसंख्या में। अब चाहता की तरफ रैली करने जा रहे हैं सभी। कोई टक्कर में है? कोई नहीं है। कॉलेज के छात्रों द्वारा एनसीसी द्वारा रैली निकाली जा रही है जिसके दौरान आजादी के अमृत महोत्सव का आज अंतिम दिन है। जिसके दौरान तो हमारे सारे सर क्या बोलना चाहते हो आप? आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज गांधी इंटर कॉलेज छाता एवं एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पूरे छाता क्षेत्र में रैली का आयोजन किया जा रहा है। एक ही रैली निकाल के कैसा आपको प्रतीत हो रहा है? आजादी के अमृत महोत्सव के इस साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन समारोह पर हम छाता क्षेत्र में विशाल रैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे जनपद, पूरे तहसील के स्तर पर हम ये रैली निकाल रहे हैं। तो हमारे पीछे यहाँ छाता कोतवाली के सभी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन। मातरम, मातरम। तो दोस्तों गांधी इंटर कॉलेज के सभी छात्रों आगे की तरफ छाता के एससीओ एसडीएम जो भी जो की बड़े अधिकारी हैं, तो ये लड़का है तो इससे बात करते हैं। आता है अपना ही स्टूडेंट, अपने साथ ही पढ़ता है अपना भाई, बहुत मेहनत कर रहा है भाई, दिन रात अपने लिए काम करता है। इसको प्लीज
ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें भाई। तो जैसा कि आप देख सकते हो गांधी इंटर कॉलेज की रैली निकाली जा रही है, इसमें आप एक बार देख लीजिए कहां से कहां तक है, बच्चों की भीड़ है, एक बार देखिए इतनी बच्चों की भीड़ है। तो देख लीजिए काफी सारे बच्चे हैं गांधी इंटर कॉलेज के, तो काफी बड़ी रैली निकाली जा रही है जिसमें गांधी इंटर कॉलेज के 1500 से ज्यादा बच्चे इस समय अभी उपस्थित हैं यहाँ। तो देख लीजिए काफी ज्यादा तगड़ी भीड़ लग चुकी है यहाँ और रोड पूरा यहाँ जाम हो चुका है। तो दोस्तों हमारे साथ कुछ NSS के छात्र हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? दुर्गेश। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव का लास्ट दिन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमने बहुत कुछ किया है और आने वाले दिनों में भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारे बीच हमारे सर उपस्थित है, तो चलिए सर से बात करते हैं। जो योगी जी और मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, इससे हमें ज्ञान मिलता है कि देशभक्ति की भावना प्रति व्यक्ति में होनी चाहिए। तो रैली यहाँ से ऊपर छाता के आने वाली है, तो आप एक बार भीड़ का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो गांधी इंटर कॉलेज द्वारा हमारे मथुरा जिला की सबसे टॉप रैली निकाली जा रही है, जिसमें 1500 बच्चे थोड़ा बहुत स्पीच दिया जाएगा। उसके दौरान जो रैली है वो वहाँ से मार्केट की तरफ प्रस्थान करेगी। जो रैली है फिलहाल पहुँच चुके हैं छाता तहसील, जहाँ पे कुछ थोड़ी देर का संबोधन होगा, उसके बाद जो रैली है वो आगे मार्केटों की तरफ बढ़ेगी। तो रोड जो है वो फिलहाल जाम कर दिया गया है, तो एक बार देखिए रैली की भीड़। तो काफी 1500 से भी अधिक बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। पर छाता के नव प्रतिष्ठित गांधी इंटर कॉलेज के NCC कैडेट और स्काउट गाइड्स के द्वारा जो ये रैली निकाली गई है, जैसा कि आप देख सकते हो सभी जो बड़े बड़े स्टाफ है, CEO साहब, SCO साहब, जितने भी बड़े अधिकारी है, वो फिलहाल हमारे पीछे की तरफ आ चुके हैं, कर चुकी है तहसील से। अब निकल के जो प्रशासन है उनके द्वारा उनके पास जा रही है जो रैली। तो आप देख लीजिए ये सभी बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे SHO साहब आ रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे।